You know, the very first question comes to my mind, Mrs. India, that too from Mumbai. Tell us about the concept about the whole entire, you know, this consensus. Mrs. India, jo hai, this is for all the married females of India. And though the concept is quite wide, so we have divided it state-wise. So we are conducting auditions state-wise, like Mrs. India Mumbai, and we'll be shortlisting candidates dependent on their confidence and also on their passion as how they want to zeal and proceed in life. And accordingly, we'll be selecting candidates, and then there'll be 6 winners in 2 categories, which we have. One is from 18 to 40 years, which is Mrs. India, and the other category is 40 to 70 years, which is Mrs. Classic Mrs. India. And then they'll be going for the nationals, which will be held in Chennai. And from there onwards, they'll be going for the international pageants. If they have to win, if they get to win. Tell us the whole idea behind doing this. You know, this is something absolutely different and unique which is happening. This which you have started. You know, you're starting from Mumbai, then you're going to other cities. Whose idea was it is, and how this whole concept came in your mind? See, this pageant is quite old, since 1852, and Actually, Mrs. India, we are not only doing in Mumbai. We are doing all our state of India. We first take audition, then we do grand finale, and winners we took winners for nation. Audition kis bina pe hota hai, jab audition ki baat karta hu, what are the things you need to do, a contestant has to participating in? Ek hi criteria hai Mrs. India ke liye, ki aapki shaadi hui honi chahiye. Otherwise, how you look doesn't matter to us, your color doesn't matter to us, your height doesn't matter to us. What matters is your self confidence. आप में अपने को आगे बढ़ाने की एक जील होनी चाहिए. बस वही एक क्राइटेरिया है, इसके अलावा तो ओके. किस बिना पे आप जीरो डाउन कर रहे हैं, आप लोग कैसे इसे जोड़ सकते हैं, यू नो द वंस यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ योर्स, हाउ दे कैन यू नो जॉइन दिस कंटेस्ट ऑफ योर्स? सी, जो मिसेस इंडिया में जितनी भी कॉन्टेस्टेंट्स आती हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो है दे वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ. दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, और दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ फैशन, और मे बी इन एनी फील्ड. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसी फील्ड में करोगे. तो व्हेन दे कम फॉर द ऑडिशंस एंड ऑल, तो दे आर टोटली डिफरेंट आउट ऑफ द क्राउड, सो इट्स वेरी इजी टू सेलेक्ट देम और जीरो डाउन देम. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और जैसे फिनाले की हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, यू नो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी यू गेटिंग सम बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑन बोर्ड फॉर द फिनाले? यस, अभी बात चल रही है, वी आर टॉकिंग लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज फॉर फिनाले, जिसमें से एक दीपिका नागपाल हैं, जो ऑलरेडी 2003 में मिसेज इंडिया की फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं. उनसे भी बात चल रही है, मैं भी वो पैनल में हम उनको जोड़ूंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके सर, कॉन्सेप्ट क्या है इनका? भाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. इनके साथ कबीर के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत दूर दराज से टैलेंट्स को निकाल के लेकर आते हैं. इनके साथ हमने थाईलैंड में जाके काम करा था, तो और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. हाउसवाइफ्स के लिए भी कुछ हो जाएगा, और वो लोग जो अपना टैलेंट छोड़ के घर में बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि हम कभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ टेलीविजन देख सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. कितना सही मानते हैं अभी इस स्टार्टिंग मिसेस इंडिया दैट टू फ्रॉम मुंबई, हाउ गुड यू थिंक द स्टार्टिंग ऑफ द सिटी दैट इज फुल ऑफ ड्रीम्स? देखिए, ख्वाब तो देखने का हक सबको है. जो लोग घर बैठ के खाना बना रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करा है, जो कभी कोई ख्वाब रखते थे, कभी कोई उमंग रखते थे, उनके लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ लेकर आएँ, और ऐसा करते रहना चाहिए. हर वो चीज़ जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उसे करने से क्या फ़ायदा है? इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. ओके, क्या खास आपको लगता है इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में? इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं और सोचते हैं कि हम काश वहाँ पर होते, आज उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पर जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और अगर टैलेंटेड हैं तो सामने भी आ सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.